हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख्य खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख्य वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहण दे लई तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। ते अज दी पहली वड्डी खबर है, सीएम भगवंत मान ने नव नियुक्त उम्मीदवारां नूं सौंपे नियुक्ति पत्र। हुण तक 26,478 नौजवानों नूं दित्तियां सरकारी नौकरियां। तां दोस्तों तुहानूं दस दईए कि नौजवानों नूं सरकारी नौकरियां देण दी वचनबद्धता नूं जारी रखदे होए पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जल सप्लाई अते सैनीटेशन अते सहकारिता विभागां दे जूनियर इंजीनियर अते कलर्कां नूं नियुक्ति पत्र दे दित्ते ने, जिस दे नाल हुण तक 26,478 नौजवानों नूं सरकारी नौकरियां दित्तियां जा चुकियां ने। अगली खबर है, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग विच बड़ा फैसला, कच्चे मुलाजम होणगे पक्के। तां दोस्तों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई दे विच पंजाब सिविल सकत्तरेत दे विच कैबिनेट मीटिंग के दौरान अहम फैसले लए गए ने। कैबिनेट ने कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन दे फैसले उपर मोहर ला दिती है। इस दे नाल ही कैबिनेट मीटिंग विच पंजाब विधानसभा दे बजट सैशन दे संबंध विच तरीक भी तय कर दिती गई है। बजट सैशन 3 मार्च तो शुरू होवेगा अते 10 मार्च नूं बजट पेश कीता जावेगा। सीएम भगवंत मान ने दस्या कि बजट सैशन 3 मार्च नूं शुरू होवेगा ते पहला गवर्नर दा भाषण होवेगा ते 6 मार्च नूं भाषण दे उत्ते बहस होवेगी ते 10 मार्च नूं आम आदमी पार्टी दी सरकार अपना दूजा बजट पेश करेगी ते 11 मार्च नूं बजट ते भी बहस होवेगी। इस दे नाल ही पंजाब कैबिनेट दी मीटिंग विच कई वड्डे फैसलियां ते भी मोहर लगी है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि कई वख-वख विभागों के 14,714 कच्चे मुलाजम पक्के किए जाएंगे। इस दे नाल ही मजदूरों की दिहाड़ी विच 25% वाधा होगा। सरकार ने कहा कि 25% वाधा करने नूं कहा सी पर FCI ने 20% ते राजी हुई है ते वह 5% का बकाया पंजाब सरकार अपने वल्लों पावेगी। सरकार ने कहा कि उसने 25% वाधे के लिए ऐलान कर दिता है। अगली खबर है, मान सरकार दे वल्लों पंजाब दीआं दुकानां ते कारोबारी अदारे नियम 1958 दे विच सोध नूं प्रवानगी। तां दोस्तों मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई दे हेठ मंत्री मंडल दे विच पंजाब दी मां बोली पंजाबी नूं वड्डे पद्धर ते प्रफुल्लत करन दे लई पंजाब दीआं दुकानां ते कारोबारी अदारियां दे नियम 1958 दे विच सोध नूं प्रवानगी दे दित्ती है, जिस नाल मौजूदा नियम 22 तों इलावा नियम 23 अते 24 नूं शामिल कीता गया, जिस दे संबंध विच फैसला पंजाब सिविल सकत्तर दे विच मुख्यमंत्री दी प्रधानगी हेठ उन्हां दे दफ्तर विखे हुई मीटिंग दे विच लिया गया। इस दे नाल ही जानकारी दिंदिया मुख्यमंत्री दफ्तर दे बुलारे ने दस्या कि सोध दे अनुसार हरेक अदारे लई बोर्ड ते पंजाबी भाषा विच अपना नाम दर्शाउणा लाजमी कर दिता है। हालांकि बोर्ड ते नाम लिखण दे लई गुरमुखी लिपि तों इलावा इस तों हेठ होर भाषावां दी वरतों भी कीती जा सकती है। जिन्हां अदारियां ने अजे तक अजिहा नहीं कीता उन्हां नूं यह नियम लागू होने के 6 महीनों के अंदर अंदर अजिहा करना होगा। नवे आदेशों की उलंघना करने वाले नूं पहली बार 1,000 रुपए ते इस दे बाद हरेक उलंघना के लिए 2,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। 45 दिनों के अंदर CLU जारी करने की प्रक्रिया भी सरल बना दिता गा। अगली खबर है, राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन का फैडरल असैम्बली दे विच संबोधन, कहा यूक्रेन नूं नवां सीरिया बनाउणा चाहुंदा अमरीका। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि रूस अते यूक्रेन दे विचकार पिछले 1 साल तो जंग चल रही है, जिस दौरान रूस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन ने फैडरल असैम्बली नूं संबोधन कर रहे ने। पुतिन ने कहा कि वह अजिहे समें च संदेश दे रहे ने जदों रूस मुश्किलां दा पड़ा पार कर चुकिया है। जिस दौरान पुतिन ने कहा कि आधुनिक दुनिया की अखौती सभ्यक देशों ते बाकी देशों तो कोई वंड नहीं होनी है। तुहानू दस दईए कि रूस ने साल तक पछमी देशों नाल गलबात दे लई तत्परता दिखाई है पर इस नूं नज़रअंदाज कर दिता। दस दईए कि रूस अते यूक्रेन दे विचाले पिछले साल 24 फरवरी नूं जंग शुरू होई सी ते दोवां देशों विचाले हजे तक जंग चल रही है। अगली खबर है, CVI ने पंजाब दे विच 30 थावां उत्ते कीती छापेमारी।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ CBI ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਟੀਆ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CBI ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਣਕ 2 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀ ਚੌਲ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ FCI ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FCI ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਰੱਕ 1000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਟੈਨਿਸ ਕਰੀਅਰ। ਦੁਬਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ WUT ਦੁਬਈ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋੜੀਦਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੈਰਨੋਕੀਆ ਕੁਦੇਰ ਮੋਟਰਟੇਵਾ ਅਤੇ ਲਿਊਡਮਿਲਾ ਸੈਮਸਨੋਵਾ ਨੇ 4-6, 0-6 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਈ 200 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲ ਵੈਦਰ ਇਨਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਲਈ 200 ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਵੈਦਰ ਇਨਡੋਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ, ਗਰਮੀ ਟੁੱਟਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,26,450 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,26,450 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 184 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 5,51,405 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ $15.3 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4,44,260 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ
4,600,000 विद्यार्थी कनेडा आए सन। तो कनेडा जाने वाले विद्यार्थियों की गिनती में लगातार वाधा हो रहा है। हालांकि 2020 कोरोना वायरस के नाल कनेडा विच कारण संख्या दे विच कमी आई सी। कनेडा ने 2019 दे विच 6,37,860 विद्यार्थी पहुँचे सी, जदों के 2021 दे विच यह गिणती 6,17,315 दसी गई सी। इस तो इलावा 31 दिसंबर 2022 तक 3,19,130 विद्यार्थियों के नाल कनेडा विच पहला ही अंतरराष्ट्री विद्यार्थियों लई भारत छोटी दे 10 देशों दे विच सी। कनेडियन सरकार के अनुसार विदेशी विद्यार्थी आर्थिकता दे विच सालाना 15.3 बिलियन तो वध दा योगदान पाउंदे ने। अगली खबर है किसानों के लिए खुशखबरी, इफको ने खादा दीआं कीमतां दे विच 14% तक कीती कटौती। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि भारत की सब तो वड्डी खाद निर्माता कंपनी इफको ने किसानों नूं वड्डी राहत दिंदिआं अपनियां कई खादां दीआं कीमतां विच कटौती करन दा फैसला कीता है। कंपनी अपने उत्पादों की कीमत 14% तक घट कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स दे विच छपी इक रिपोर्ट दे मुताबक इस बारे जानकारी दिंदे हुए कंपनी दे अधिकारियों ने दस्सिया कि दुनिया भर दे विच खुराक की कमी अते खेती लई खादां दी वधदी कीमत दे मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। तुहानू दस दईए कि सुरक्षा दे विच बनाई रखने लई सरकार ने किसानों नू खादां ते सबसिडी दिंदी है। सरकार कई खाद कंपनियों नू 80% तक सबसिडी का लाभ दिंदी है, जिसका फायदा किसानों नू मिलदा गा। इफको दे अधिकारियों ने दस्सिया कि महत्वपूर्ण खाद NPKS की कीमत 200 रुपए तो लैके 1200 रुपए प्रति बैग घट हो गई है। इस दे नाल किसानों नू सौणी दे सीजन विच खेती दे विच लागत दे कमी का फायदा दिता जाएगा। अगली खबर है सरकार की इस योजना तो सारिया नू मिलेगा बंपर फायदा, जाणो नवी स्कीम दे बारे। तां दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अजिही योजना शुरू की है जिसका फायदा हुण किसान अते आम आदमी दोवां नू होवेगा। भूमि सुधार अते विकल्प खादा नू उत्साहित करन दे लई प्रधानमंत्री प्रणाम योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश है कि खेती विच रसायनिक खादा की वरतों नू घट करना। तो एक पासे जिथे घट रसायनों के नाल खादा पा के जमीन की गुणवत्ता विच सुधार किया जाएगा, तो दूजे पासे लोगों नू घट रसायनिक भोजन का सेवन करके सेहतमंद जीवन जिउण दा फायदा मिलेगा। अगली खबर है दिल्ली दे विच नहीं मिलेगी बाइक टैक्सी, सरकार ने लाई पाबंदी, नियमों की उलंघना करन ते लगेगा मोटा जुर्माना। तां दोस्तों तुहानूं दसीए कि हुण लोक राष्ट्रीय राजधानी दे विच बाइक टैक्सी सेवा का लाभ नहीं लै सकणगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दे विच बाइक टैक्सी सेवा ते पाबंदी लगा दिती है। हुण लोक ओला ओबर अते रैपिडो वर्गियां कंपनियां तो बाइक टैक्सी बुक नहीं करवा सकणगे। अगली खबर है 6 घंटिया दे विच हस्पताल कीता तैयार, 3700 मरीजां दा कीता इलाज। भारतीय फौज नूं दिलों दुआवां दे रहे ने तुर्की दे लोक। तां दोस्तों भारत ने भूचाल तो प्रभावित तुर्की दी मदद दे लई ऑपरेशन दोस्त शुरू कीता है, जिस दे तहत NDRF दे भारतीय फौज दे जवान तुर्की पहुँच गए सन ते उत्थे राहत अते बचाव कार्य शुरू कीते। भारतीय फौज ने भूचाल प्रभावित लोगों के इलाज लई तुर्की दे विच इक फील्ड हस्पताल की स्थापित किया है, जिस विच 3600 मरीजों का इलाज भी किया गया है। अगली खबर है बेटी के विआह विच नहीं होवेगी पैसों की कमी, LIC ने शुरू की नवी स्कीम। तो दोस्तों तुहानूं दस्सिए कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन भारत में भरोसे का एक नाम है। इस दीआं स्कीमां दे कीते निवेश हमेशा गरंटी शुद्ध सुरक्षा के नाल वापस किए जाते हैं। LIC ने वख-वख उम्र समूहों के जरूरतों के अनुसार पॉलिसी लियांदी हैगी। अजिही पॉलिसी दे विच LIC ने कन्यादान नीति एक योजना बनाई है, जिस स्कीम का मुख्य टीचा कि तुहाडी बेटी के विआह ते उच्च सिक्ख्या दे विच पैसे दे कोई भी कमी नहीं आएगी। इस स्कीम के अनुसार तुसी प्रति दिन 121 रुपए जमा करवा सकते हो, भाव के 3700 रुपए प्रति महीना। तो तुहाडी बेटी 25 साल की होने पर तुहानू 27,00,000 रुपए दिते जाएंगे। अगली खबर है कणक अते आटे दीआं कीमतां नूं डेगण दे लई सरकार 20,00,000 टन वाधू कणक खुली मंडी दे विच बेचेगी। तां दोस्तों केंद्र सरकार कणक अते आटे दीआं कीमतां नूं हेठां लिआउण दे लई 20,00,000 टन वाधू कणक खुली मंडी दे विच बेचेगी। केंद्र ने कणक अते कणक दे आटे दीआं कीमतां नूं वाधे नूं रोकण दे लई अपने बफर स्टॉक तों 30,00,000 टन कणक खुले बाज़ार विच बेचण दा ऐलान कर दित्ता गा।
अगली खबर है, कौमी जांच एजेंसी ने पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे सने 8 सूबियां दे विच गैंगस्टरां ते छापे मारे। तो दोस्तों कौमी जांच एजेंसी NIA ने देश भर दे विच गैंगस्टर लॉरेंस बसनोई, नीरज बवाना ते उन्हां दे सहयोगियों के 70 तो वध टिकाणियां ते छापेमारी की है। तो यह छापेमारी पंजाब, दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ ते यूपी दे विच की है। अज सवेरे कंपनी वालों यह छापेमारी शुरू की गई सी। अगली खबर है, बेअदबी कांड दे विच पंजाब तो बाहर केस तब्दील करन बारे सुनवाई 28 नूं। तां दोस्तों बेअदबी कांड नाल जुड़े फरीदकोट जिले के 3 केसां नूं पंजाब तो बाहर किसी होर सूबे विच बदलन वाली पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी नूं सुनवाई करेगी। अगली खबर है, चंडीगढ़ दे विच 5 सालां दे अंदर 1107 इलैक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड। तो दोस्तों तुहानू दस्सीए कि यूटी प्रशासन वल्लों सिटी ब्यूटीफुल दे विच इलैक्ट्रिक वाहनों की गिनती वधाउण दे लई चाराजोई की जा रही है, जिस दे सदका यूटी प्रशासन ने 10 फरवरी तो 31 मार्च 2023 तक शहर दे विच 2 पहिया पेट्रोल वाहनों की रजिस्ट्रेशन ते पाबंदी लगा दित्ती है। तो दोस्तों यह सन अज सवेर दियां ताज़ा ते मुख वड्डियां खबरां। जे तुहानू साडा यह वीडियो ते जानकारी वधिया लगदी है तो अपने दोस्तों मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो। तो जे तुसीं चैनल ते पहली बार आए हो जां चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लिओ ते नाल बने घंटी नूं वी दबा दिओ, जिस नाल तुहानू आउण वाली हर एक नवीं खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।